क्लास ट्वेल्थ के एमपी बोर्ड के सभी बच्चों के लिए एक बेहतरीन से यहां पर पेपर लेकर आए, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर है ये, एक आपका सिंपल पेपर है ताकि आपको एग्जाम हॉल में जब जाओ तो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल देख सकते हैं यहां पर सेट सी ए डी है और ये ए है। जिन बच्चों को वास्तव में अच्छे नंबर प्राप्त करना, ये चारों सेट कंप्लीट करिएगा, बिल्कुल मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें क्वेश्चन समाहित कर दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश होता है, प्रोटॉन में जो न्यूनतम आवेश होता है वो होता है 1.6×10^-19 कूलम। तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करती है, कौन सी तरंगे? कुंडली के सॉरी ऊर्जा ऊर्जा है ना, और धारावाही वृत्ति कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो होता है कुंडली के तल के लंबवत। निर्वात, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो चाल है वो कैसी होती है? वो होती है सीक्वल, यहां पर देख लीजिए, अंडर रूट म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट। प्रकाश की तरंग प्रकृति का प्रमाण निम्न परिघटना में नहीं मिलता, ठीक है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव में। चलिए, एक कण का द्रव्यमान m तथा वेग v है तो उससे संबंधित डी ब्लॉगली तरंग दैर्ध्य होगी, तो ये हो जाएगा h/mv। चलिए इसके बाद में यहां से ये देखिएगा, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे, है ना, ये देखिए, है ना, बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो, जितना बताया जा रहा है मेरी गारंटी है, यदि 100% इनमें से आपका पेपर नहीं आता है तो। पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत जो होती है उसकी मोटाई 10^-6 मीटर होती है, कितनी होती है? मीटर। हाइड्रोजन परमाणु की अधिकतम आयनन ऊर्जा, हाइड्रोजन जो परमाणु है उसकी अधिकतम आयनन ऊर्जा 13.6 MeV होता है। संपोषी व्यतिकरण के लिए तरंगों के मध्य कालांतरण, संपोषी व्यतिकरण के लिए तरंगों के मध्य कालांतरण जो होता है वो कितना होता है? होता है 2π, कितना होता है? 2π होता है। वायु का जो बुलबुला है, वायु का बुलबुला, ठीक है, वायु का बुलबुला जल के भीतर डिडेस लेंस जैसा व्यवहार करता है, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, किसकी तरह? अवतल लेंस की तरह। व्यतिकरण में डिडेस का पुनः वितरण होता है ऊर्जा का, ऊर्जा का पुनः वितरण होता है। अर्धचालकों का प्रतिरोध अशुद्धि मिलाने पर, अर्धचालकों का प्रतिरोध अशुद्धि मिलाने पर घटता है, उनका प्रतिरोध क्या होता है? घटता है, ठीक है। चलिए यहां से देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है, ये हो गया। अब है सही जोड़ी, किरचाप, किरचाप का विद्युत संबंधी धारा संबंधी नियम, ठीक है, तो ये जाएगा आवेश संरक्षण का नियम। लॉरेंज बल, लॉरेंज बल जाएगा क्यूवी साइन थीटा। दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश का न्यूटन। गामा किरणें का जाएगा हेनरी बेकरेल, बेकरेल ने किया था। ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का जाएगा अन्योन्य प्रेरण, और प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है d5/dt। ये हो जाएगा आपका छठा नंबर का, बढ़िया से कंप्लीट करिए, मैं कह रहा हूं आपको, आप अच्छे से तैयारी करो, 100% श्योर गारंटी ले लूं, लिखा पढ़ी कर ले आप, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, है ना भैया, 100-100 रुपए वाले स्टाम्प पे लिखा पढ़ी कर लेंगे, इनमें से आएगा आपका पेपर। पर मैं जो बता रहा हूँ ना आपको, ABCDEF देख लीजिएगा, है ना, कहां तक? ABC, ये हो चुका है, बी चल रहा है, सी डी और ई और एफ भी दूंगा। 80% बनानी है तो डी तक कर लो, 90 से पार जाना है तो ई और एफ भी कर लो, ठीक है, ठीक है भैया। सामने तो आप कुछ समझदार है, रियल पेपर कोई सामने नहीं बताता, और रियल पेपर किसी को आ भी जाए तब भी नहीं बताएगा सामने, तो है ना भैया। हाँ, ये कर लोगे तो 100% श्योर है, परसेंटेज बनेगी।
एक किलोवाट घंटा एवं जूल में क्या संबंध है? तो एक किलोवाट घंटा इक्वल होता है 3.6 × 10^6 जूल। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है ओम इंटू मीटर। ओम इंटू मीटर, ठीक है भैया। चलिए अगला देखते हैं। किस लेंस की क्षमता धनात्मक होती है? तो इस लेंस की क्षमता धनात्मक होगी, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है ना, वो आपकी धनात्मक होती है, ठीक है। चलिए, विद्युत ध्रुव आघूर्ण की दिशा, विद्युत ध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो ऋण आवेशित से धन आवेशित की ओर होती है। यहां पर लिख देते अपन ऋण आवेश, समय परिवर्ती विद्युत क्षेत्र से उत्पन्न धारा का जो मान है वो के नाम क्या है? वो है विस्थापन धारा। यहां से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे, है ना। चलिए अब ए सत्य और असत्य। हीलियम, हीलियम नाभिक को अल्फा कण कहते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। हाइड्रोजन बम की कार्यविधि नाभिकीय विखंडन पर आधारित होती है, ये आपका असत्य हो जाएगा। तीसरा जो है, चुंबकीय द्विध्रुव की निरक्षी स्थिति में विभव का जो मान है वो शून्य होता है, बिल्कुल राइट बात है। प्रति चुंबकीय पदार्थ प्रबल चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं, सत्य है ये। और ये परम शून्य ताप पर अर्धचालक कुचालक जैसा व्यवहार करता है, ये सत्य, ठीक है, हो गया। इसके बाद में यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर ये 5 है, यहां से देख सकते हैं आप, है ना। किसी आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव को स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की परिभाषा लिखिएगा। इसका विमीय सूत्र तथा मात्रक बताइए। इसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है और किस प्रकार? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आपको बताना है, दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर बताना है आपको। कोणीय वर्ण विक्षेपण की परिभाषा, लंबन क्या है समझाइए, हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। डी ब्रोगली तरंग 100% यदि आप कर लोगे, एक बार अंतिम मौका है, ठीक है। अंतिम मौका का मतलब है कि बारहवीं आपके पास अंतिम है ये, इसके बाद डबल तो नहीं पढ़ना है, डबल से पढ़ना है तो मत करो याद, सीधी सी बात है ना। अच्छे से पढ़ो, तैयारी करो, पूरा सॉल्यूशन बहुत ही जल्दी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा इसका, जितना आपसे हो सकता है वैसा करिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, हो गया। ये यहां से देखिए इसका अथवा हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 14 है, अथवा हो गया है, बढ़िया से आप तो कंप्लीट करिए। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर आपका 15, विस्थापन धारा क्या है समझाइए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 देख लीजिएगा, परस्पर संपर्क में रखे पतले लेंसों के सहयोग की फोकस दूरी का सूत्र ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन नंबर 16 का अथवा, यहां से देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 17 है ये, ठीक है, हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 18। चलिए इसके बाद में हम बात करें तो आगे की, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 18 का अथवा जाएगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी दो का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिएगा, ठीक है। एन तथा ई प्रकार, पी प्रकार के अर्धचालकों में अंतर, पी एन संधि डायोड की कार्यविधि, अग्र बायस तथा पश्चिम बायस, अभिनति जो रहता है ना उसको कहते बायस। बायो सेवर्ट के नियम के द्वारा किसी धारावाही वृत्ति कुंडली की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए